जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और यह है दोस्तों जियो का F320B जो कि न्यू मॉडल का जियो फ़ोन है। इसमें दोस्तों मेरे पास ये प्रॉब्लम में आया था कि इसमें सिम कार्ड जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसे दोस्तों मैंने फ्लैश किया तो देख सकते हो यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम आ गया है। इसका डिस्प्ले जो है रोटेट हो गया और साथ में ये नेगेटिव है। तो इस पर मैंने दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपका जो डिवाइस है वो सिम कार्ड या फिर नेटवर्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसे फिक्स करना है, तो उसी वाले फ्लैश फाइल से दोस्तों मैंने इसे फ्लैश किया। यहाँ पे सामने देख सकते हो फ्लैश फाइल वर्जन, इससे मैंने इसे फ्लैश किया था। तो इसमें जो है सिम कार्ड का प्रॉब्लम तो दूर हो गया, बट ये स्क्रीन का इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो इसे दोस्तों आज हम फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों ये मैंने एक फ्लैश फाइल रखा है न्यू वर्जन का, इसे दोस्तों हम फ्लैश करेंगे। और ये जो है ओल्ड वर्जन का है जिससे आप नेटवर्क का प्रॉब्लम जो फिक्स कर सकते हो। तो ये फ्लैश फाइल जो है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये ओल्ड वर्जन का है जिसे मैंने इस पर फ्लैश किया, तो इसका जो नेटवर्क प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया। और ये न्यू वर्जन का है दोस्तों जिससे हम जो इसका डिस्प्ले जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने वाले हैं। ये 250 MB के अराउंड का फ्लैश फाइल है। इसका लिंक जो है दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं आपको एक बार फाइल जो है ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है उसके अंदर का पूरा फाइल। अब मैं जो है दोस्तों क्यू फिल टूल ओपन करूँगा और यहाँ से फ्लैट बिल जो है सिलेक्ट करना है, फिर ब्राउज़ करना है और यहाँ से हमारा जो फाइल है वो डिटेक्ट करना है। तो मैंने उसे डेस्कटॉप पर रखा था। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ये ऊपर वाला जो है वो ओल्ड वर्जन का है और नीचे वाला जो है न्यू वर्जन का है, तो हमें न्यू वर्जन जो है फ्लैश करना है। और यहाँ से हम जो है रॉ प्रोग्रामर और पैच फाइल दोनों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब जो है दोस्तों हम अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे इस पर। तो इस मोबाइल का बूट की है दोस्तों स्टार और हैश की, दोनों को एक साथ प्रेस करके हमें डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको मोबाइल जो है वापस दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये वही मोबाइल है जिस पे स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गया है फ्लैश के बाद में। तो इसका बैटरी निकाल के दोस्तों मैं वापस इंसर्ट करके अब इसको जो है बूट कराता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पे USB इंसर्ट करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड बटन जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर भी ले लिया है और यहाँ पे डाउनलोड बटन हाईलाइट हो चुका है। अब सिंपल से दोस्तों हमें डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है और इसका फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों उतना ज़्यादा साइज़ नहीं है MB में इसका फ्लैश फाइल, तो ये जल्दी से हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके जियो के मोबाइल में F320B मॉडल पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नेटवर्क जो है रनिंग का साइन दिखा रहा था, बाकी उसमें नेटवर्क आ नहीं रहा था, तो उसके लिए मैंने एक अलग से फ्लैश फाइल दिया था। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, मैं हो सकता है उसे आई बटन पर भी डाल दूँ। तो ये वाला डिवाइस अभी फ्लैश हो रहा है। ओके, देख सकते हो काफ़ी फ्लैश हो चुका है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो फ्लैशिंग है वो डन हो चुका है, यहाँ पे डाउनलोड सक्सेस लिखा चुका है। अब मैं दोस्तों डिवाइस जो है डिसकनेक्ट करके वापस आपको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्क्रीन का प्रॉब्लम था, जो स्क्रीन रोटेट होकर नेगेटिव आ रहा था, वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप बूट स्क्रीन देख सकते हो।
अभी दोस्तों ये फ़ोन जो है स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, तो 1 से 2 मिनट लेगा। तो मैं इतना का वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, और जो स्क्रीन है उसको मैं आपको जो कैमरे का स्क्रीन वो बड़ा करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ इसे। यहाँ पे दोस्तों हमारा डिवाइस जो है कंप्लीट बूट कर चुका है, सारे सेटअप मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से सही हो चुका है। इसका जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम था रोटेट होके आ रहा था, तो इस फाइल का यूज़ करके दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। बाकी आप बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो लोग यार चैनल पर नए हो तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगा दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।